नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मार्ट बिजनेस प्लस दीपक कुमार के साथ। साथियों, 22 मार्च 2020 रविवार के दिन जनता कर्फ्यू लगाया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि पूरा भारत देश बंद रहेगा, क्योंकि आज गुरुवार के दिन रात को 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र के नाम एक संबोधन अपडेट किया है, जिसके लिए देश के हर एक व्यक्ति के लिए जान लेना बहुत ही जरूरी है। उन्होंने भारत देश के 130 करोड़ देशवासियों के लिए यह संबोधन अपडेट किया है, जो कि कोरोना वायरस से संबंधित रखता है। कोरोना वायरस जो है, यह एक महामारी बन चुका है, और इससे निपटने के लिए या फिर इसका सामना करने के लिए भारत के 130 करोड़ देशवासियों के लिए जागरूक होना बहुत जरूरी है, और उनके लिए कुछ अपडेट बताए हैं, कुछ नियम बताए हैं, जिनका नियम पालन करना बहुत जरूरी है। 22 मार्च के दिन पूरा भारत देश ऑफ रहेगा, मतलब कि बंद रहेगा। तो इसी को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपके लिए क्या आग्रह किया है, आइए जान लेते हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को, और प्रेस कीजिए बेल आइकन नोटिफिकेशन को, ताकि मिल सके आपके लिए इसी तरह की और भी लेटेस्ट खबरों के अपडेट सबसे पहले। और वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करना, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह संदेश देश के हर कोने कोने तक पहुंच सके। और आपके क्या सुझाव हैं, इसे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, क्योंकि इसमें भी ये देश को संबोधित करते हुए मोदी जी के सम्मान में ये कमेंट पहुंचाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो हेडलाइंस है वो आपके लिए पढ़कर सुनाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि मैं आज प्रत्येक देशवासी से एक और समर्थन मांग रहा हूँ, ये जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू है, और इस रविवार यानी कि 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। मतलब कि यदि आप नॉर्मल तौर पर बाहर घूमने जाते हैं, या फिर 2 या 5 लोग मार्केट में बैठकर बात करते हैं, तो ऐसा अब नहीं होगा। बाहर जाने का प्लानिंग कर रहे हैं तो इसे कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि ये देश से संबंधित करते हुए जनता के ऊपर कर्फ्यू लगाया जाएगा, और इसमें यह भी देखा जाएगा कि जनता कितनी सजग है, जागरूक है, जो कि एकजुटता के साथ चल रही है। तो यदि आप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सम्मान में, और इसी के साथ ही कोरोना वायरस से निपटने के सम्मान में, और देश की एकता जुटता के सम्मान में ये जनता का कर्फ्यू जनता के ऊपर लागू होने में सक्षम है, तो आपके लिए नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। 22 मार्च को हमारा ये प्रयास हमारे आत्मसंयम और देश हित में कर्तव्य पालन के संकल्प का एक प्रतीक होगा, और 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की सफलता, इसके अनुभव हमें आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करेंगे। संभव हो तो हर व्यक्ति प्रतिदिन कम से कम 10 लोगों को फोन करके कोरोना वायरस से बचाव के उपायों के साथ ही जनता कर्फ्यू के बारे में भी बताए। ये कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई के लिए भारत कितना तैयार है, ये देखने और परखने का भी समय है। आपके इन प्रयासों के बीच जनता कर्फ्यू के दिन 22 मार्च को मैं आपके एक और सहयोग चाहता हूँ। पूरे देश के स्थानीय प्रशासन से भी मेरा आग्रह है कि 22 मार्च को 5 बजे सायरन की आवाज से इसकी सूचना लोगों तक पहुंचाए, और सेवा परमो धर्म के हमारे संस्कारों को मानने वाले ऐसे देशवासियों के लिए हमें पूरी श्रद्धा के साथ अपने भाव व्यक्त करने होंगे। यदि किसी कारणवश सरकारी सेवा में निर्मित व्यक्ति या फिर उनके सेवक आप तक सरकारी सायरन की आवाज ना पहुंचा सके, तो इसका कोई दुख ना उठाए, ना कोई परेशान हो, क्योंकि यहाँ पर टाइम बता दिया गया है, सुबह के 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक जनता के ऊपर कर्फ्यू लगाया जाएगा। संकट के समय में आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारी आवश्यक सेवाओं पर, हमारे हॉस्पिटलों पर दबाव भी निरंतर बढ़ रहा है, इसलिए मेरा आपसे आग्रह ये भी है कि रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल जाने से जितना बच सके उतना बचें। कोरोना महामारी से उत्पन्न हो रही आर्थिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री के नेतृत्व में सरकार ने एक COVID-19 इकोनॉमिक रिस्पॉन्स टास्क फोर्स के गठन का फैसला लिया है, और ये चेक करेगी कि भारत देश कितना सक्षम है, कितना एकजुटता के साथ इन नियमों का पालन कर रहा है, साथ ही कोरोना वायरस से निपटने के नए नए सुझावों को सामने लाया जाएगा। तो साथियों, आपसे हाथ जोड़कर विनती की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से कि 22 मार्च रविवार के दिन पूरा भारत देश बंद रहेगा, और आपके जो भी कार्य हैं उनको एक दिन के लिए टाल दीजिए। सिर्फ और सिर्फ जो सरकारी सेवा में निर्मित हैं वही व्यक्ति बाहर आएंगे, जैसे कि डॉक्टर, पुलिसकर्मी, मिलिट्री फोर्स या फिर किसी संगठन के व्यक्ति जो सेवा करते हैं, सरकारी कार्यों से जुड़े हुए हैं,
वह बाहर आकर अपने फर्ज को निभाएंगे और वहां की सभी जगह ऑफ रहेगा। तो आप सभी से निवेदन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। और उन्होंने यहाँ पर आपसे आग्रह भी किया है, संभव हो तो हर व्यक्ति प्रतिदिन कम से कम 10 लोगों को फोन करके कोरोना वायरस से बचाव के उपायों के साथ ही जनता कर्फ्यू के बारे में भी बताए। यदि आप इस वीडियो को 10 लोगों में शेयर करते हैं तो वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह संदेश देश के कोने कोने तक पहुंच जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना फर्ज निभा दिया है और हमने वीडियो बनाकर अपना फर्ज निभा दिया है, आप तक पहुंचाने का फर्ज निभाया है। बस अब आपकी बारी है, देखते हैं कि आप कितने सक्षम हैं, कितने एक्टिव हैं और देश के हित में कितनी अपनी सहभागिता निभाते हैं। तो दोस्तों, साथियों, मित्रों, भाइयों, बहनों, है कि अब देर किस बात की कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए पूरे भारत देश के अंदर, ताकि देश के कोने कोने तक ये जानकारी पहुंच जाए कि 22 मार्च रविवार को भारत देश बंद रहेगा, जनता के और जनता के ऊपर कर्फ्यू रहेगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और आपके क्या इसमें शुभ विचार हैं कृपया वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और भी इसी तरह की काम की खबरों के साथ अपडेट रहना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन नोटिफिकेशन को, ताकि मिल सके आपको इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।